नमस्कार, मैं संदीप नोखवाल दी पब्लिक में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। बड़ी और विशेष अपडेट है कि भारत के अंदर 1 अप्रैल से कुछ चीजों में, कुछ नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। तो सभी दर्शकों से अपील करूंगा कि क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए, लाइक के साथ शेयर कीजिए। सबसे बड़ी बात है कि 1 अप्रैल से एयरटेल और पेटीएम एक साथ एक मंच पर आ सकते हैं, यानी दोनों कंपनियां एक साथ हो सकती है, जिसके कारण कुछ नए बदलाव आपको टेलीकॉम सेक्टर में देखने को मिल सकते हैं। साथ में एयरटेल अपने प्लान 1 अप्रैल से महंगे कर रही है। टेलीकॉम सेक्टर की सभी कंपनियां, चाहे वो जियो हो चाहे वो वोडाफोन हो, अपने प्लान महंगे कर सकती हैं 1 अप्रैल से। दूसरी बड़ी बात, एलपीजी गैस सिलेंडर 1 अप्रैल से महंगे होने जा रहे हैं। शायद वो 1 अप्रैल से पहले ही महंगे हो जाए, लेकिन निश्चित रूप से 1 अप्रैल से महंगे होने जा रहे हैं, जिसको लेकर यहाँ पर काफ़ी लोगों ने आपती दर्द भी की है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों किया जा रहा है। वहीं पर अडानी ग्रुप ने बड़ा वादा किया है कि 1 अप्रैल से पहले सभी कर्जों को चुका दिया जाएगा और सभी कर्जों को जुगाकर निवेशकों की चिंता को खत्म किया जाएगा। हमारे पास ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त धन है, शायद वो किसी कंपनी के एसेट बेचे या कुछ भी करें, लेकिन कर्जा चुका दिया जाएगा। वहीं पर आपको बता दें कि दिल्ली NCR यूपी में आज फिलहाल मौजूदा समय में जो है मौसम बदल चुका है, अगले 2 घंटे में बारिश की संभावनाएं बताई गई है। इसी बीच बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से यहाँ पर एक नया फैसला लिया गया है, जिसको लेकर लोगों को सावधानी बरतने की जो है अपील की गई है। बताना चाहूँगा कि ग्रीस में 2 ट्रेनों के बीच भीषण टक्कर, 16 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच चल रहे झगड़े पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक दायित्व को न भूला जाए। वहीं पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि G22 सम्मेलन में धुरियों के बीच भारत की बड़ी चुनौती, गुरुवार को 2 सत्रों में विदेश मंत्रियों की बैठक की जाएगी। वहीं पर G20 सम्मेलन के लिए लाए गए कुछ फूलों को एक शख्स रोड से चुराता हुआ नजर आया। बड़ा दावा किया जा रहा है कि ये शख्स जो किसी पार्टी से जुड़ा या किसी बड़े नेता का यह काम हो सकता है। वहीं पर आपको बता दें कि ORP के लिए नहीं करना होगा, मेरा इंतजार केंद्र ने तैयारियां कर ली है। करोड़पति IAS पूजा सिंघल के करप्शन कथा की CBI जांच की जाएगी। और योगी के राज्य में बज रहा है बिहार के अन्य 2 एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का डंका। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से गौतम गंभीर। ये थी आज की बड़ी और विशेष अपडेट। आपको कैसे लगी आप कमेंट कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा दी पब्लिक के साथ ऐसी बड़ी खबरों को जानने के लिए। बने रहिएगा। जय हिंद।